कली गुलियां को जिस तरह का अवार्ड मिला है, 23 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जा चुकी है फिल्म, और बहुत सारे अवार्ड इस फिल्म को मिले हैं। मुझे भी बहुत सारे बेस्ट एक्टर के अवार्ड मिले, लेकिन मेलबर्न में जो मिला है वो ख़ास इसलिए है क्योंकि न सिर्फ जूरी जो थी वो पूरे फॉरेन मेंबर्स थे, सारे बहुत सारे तो हॉलीवुड में बिजी हैं एज एन एडिटर, एज ए प्रोडक्शन पर्सन, एज ए साउंड पर्सन, डायरेक्टर, और उनमें से कोई भी हम में से जितने भी नॉमिनीज थे उनमें से किसी किसी को नहीं जानते थे। किसी का काम उन्होंने नहीं देखा था, जो काम उन्होंने देखा वो इस समय देखा और उसके बेसिस पे उन लोगों ने हमें अवार्ड दिया। गली गुलियां को इतने भारी नॉमिनेशन के बावजूद अवार्ड मिला, फिल्म के तौर पे मिला, एक मुझे एक एक्टर के तौर पे मिला, इसलिए ये फिल्म और ये अवार्ड बहुत ज़्यादा सम्मानित माना गया है। इसीलिए इस अवार्ड से हम सब लोगों को काफ़ी खुशी हुई है। और अब हम फिल्म 7 सितंबर को लेके आ रहे हैं, और जब हमने ट्रेलर रिलीज़ किया और जिस तरीके से ट्रेलर को हाथों हाथ लिया गया है, हमें ये आशा नहीं थी। हमें, अगर मैं कहूँ कि हमें बहुत विश्वास था कि एक इंडिपेंडेंट फिल्म को इस तरीके से हाथों हाथ लिया जाएगा, उसके ट्रेलर को, ये हमें आशा नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से दर्शकों ने इस ट्रेलर को सराहा है और जिस तरह से ये वायरल हो रहा है और दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, वो अपने आप में आश्चर्यजनक है। क्योंकि अपनी ज़िंदगी में ना ही मैंने हिंदुस्तानी सिनेमा के इतिहास में इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट फिल्म, कॉम्प्लेक्स फिल्म मैंने देखी है, ना इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट किरदार मैंने किसी को निभाते हुए देखा है। ये मेरे लिए ये कैसा रहा कि 1.5 महीने पहले से मैंने इसकी तैयारी शुरू की थी। ये रोल एक ऐसे व्यक्ति का है जो एक बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में रहता है, लोगों के इलेक्ट्रिशियन है चांदनी चौक के एक गली में, जिस गली का नाम है गली गुलियां, और वहाँ पर इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, लोगों के घरों में चुपके से कैमरे लगाता है और देखना चाहता है कि लोगों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। एक मानसिक रूप से डिस्टर्ब आदमी है जिसे आवाज़ सुनाई देती है एक बच्चे के रोने की, जिस बच्चे को उसका बाप मार रहा है, उस बच्चे को ये बचाना चाहता है, और पूरी फिल्म में वो बच्चे को खोजता रहता है कि किसी तरीके से उस बच्चे को उसके बाप के मार से, उस बच्चे बाप के प्रताड़ना से उसको बचाया जा सके। और वो आवाज़ उसके दिमाग से जाती नहीं है, उसके उसके कानों में हमेशा पड़ती रहती है। तो ये एक ऐसे मेंटली डिस्टर्ब आदमी की कहानी है और उसकी खोज है उस बच्चे को बचाने की। तो ये कहानी है, अगर संक्षिप्त में बताऊँ तो इसमें शहाना गोस्वामी हैं, नीरज कवि हैं, रणवीर शौरी हैं, और जो बच्चे का रोल जो लड़का कर रहा है वो सच में स्ट्रीट चाइल्ड रहा है और इस फिल्म में काम कर रहा है। वो सलाम बालक ट्रस्ट संस्था के साथ जुड़ा हुआ है। ये अपने आप में मेरे लिए बहुत सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट किरदार रहा है करने के लिए। अगर इसी अवार्ड को हमारे हिंदुस्तान में मिनिस्ट्री फंक्शन में दिया जाता तो शायद मुझे नहीं मिलता, लेकिन चूंकि बाहर में मिला, बाहर में ये जूरी तो जो थी बिल्कुल हम लोगों के नाम को जानती भी नहीं थी, उन्होंने प्योरली हमारे काम के बेसिस पे दिया है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए अहम रखता है। और इससे हमारी फ़िल्म को फ़ायदा हो रहा, हमारी फ़िल्म के बारे में लोगों ने बात करना शुरू किया है। इस अवार्ड के कारण भी बहुत सारी चर्चा में आई है फ़िल्म, और आशा करते हैं कि जब फ़िल्म रिलीज होगी तो लोग भारी तादाद में फ़िल्म को देखने जाएंगे, अपने परिवार के साथ जाएंगे, क्योंकि इस फिल्म को यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ है। कि स्क्रिप्ट से बड़ा हीरो कोई नहीं होता है, इसलिए ज़रूरी है कि हम अब स्क्रिप्ट राइटर्स को और डायलॉग राइटर्स को हम क्रेडिट देना शुरू करें। बिना अच्छी स्क्रिप्ट के अच्छी फिल्म नहीं बन सकती, और स्क्रिप्ट अगर अच्छी होती है तो किरदार अगर थोड़ा थोड़ा सा कम ख़राब भी होता है तो या कम अच्छा होता है तो आप उसको और अच्छा कर सकते हैं। तो मैं हमेशा स्क्रिप्ट देखता हूँ और उस स्क्रिप्ट में उस किरदार को देखता हूँ। मेरा जब मिलाप जवेरी ने मुझे कहानी सुनाई थी तो मैं पलक भी नहीं झपका पाया था जब उनकी नरेशन शुरू हुई थी, और वही मेरा मूल मंत्र है। चाहे मैं कमर्शियल फिल्म करूं, चाहे मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा करूं, या मैं इंडिपेंडेंट फिल्म करूं, अगर वो मेरे दिल को छूती है और उसमें कुछ नयापन है तो उसको हाँ करने में बिल्कुल समय नहीं लगाता मैं। जी बहुत सारे आजकल तो इतने सारे नए नए एक्टर्स अच्छा कर रहे हैं, राजकुमार है, नवाज़ है, ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, विक्की कौशल अच्छा कर रहा है, तापसी पन्नू अच्छा कर रही हैं,
आलिया भट्ट अच्छा कर रही हैं, बहुत सारे नए नए राधिका आप्टे बहुत अच्छा कर रही हैं। तो ये सब लोगों के काम को मैं देखता हूँ, सराहता हूँ, उनसे सीखता हूँ, ये सीखना चलता रहता है। ये तो यहाँ के कलाकार हैं, बाकी विदेश के कलाकारों को नए नए कलाकार आ रहे हैं और नए नए काम देखने को मिल रहा है, उनसे सीखने को मौका लग रहा है। आदिल हुसैन मेरे समय के हैं, थिएटर के समय से, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इन सब लोगों को देख करके सीखने को बहुत मिलता है।